का सीएम इंडिया टीवी में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ चेतना चौधरी। चलिए रुक करते दिनभर की तमाम बड़ी खबरों की ओर। पीएम मोदी इलाहाबाद हाईकोर्ट के 150वीं सालगिरह पर संगम नगरी पहुंचे, साथ में योगी आदित्यनाथ और मुख्य न्यायाधीश जीएस खेर भी मौजूद रहे। बता दें कि पीएम मोदी का स्वागत खुद योगी आदित्यनाथ ने बमरौली हवाई अड्डे पर किया। पीएम मोदी आज भारत की सबसे लंबी सुरंग का करेंगे उद्घाटन। बता दें कि जम्मू कश्मीर हाईवे पर चेनानी और नाशरी के बीच हिंदुस्तान की सबसे लंबी सड़क सुरंग बनाई गई है, जो देश की सबसे बड़ी और स्मार्ट सुरंग है। साथ ही पीएम उधमपुर में एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे और इसके 500 मीटर के दायरे में चल रही शराब की दुकानों को बंद किया जाने और हाईवे पर चल रहे होटल्स और रेस्तरा और साथ ही बार्स में शराब ना परोसने का निर्देश दिया था, लेकिन इसका तोड़ शराब विक्रेताओं ने निकाल दिया है। बता दें कि शराब विक्रेताओं ने कोर्ट के फैसले के बाद हाईवे की जगह आसपास गांवों में शराब की दुकानें खोलनी शुरू कर दी हैं। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश ने 10 मंत्रियों सहित मंत्री पद की शपथ ली। बता दें कि सीएम ने सरकार के कैबिनेट का विस्तार किया था, जिसमें उन्होंने अपने बेटे को जगह दी है। साथ ही 5 मंत्रियों के कैबिनेट से छुट्टी भी कर दी गई। केरल के पल्लीपुरम में सीआरपीएफ के कैंप में भोजन करने के बाद 400 जवान हुए बीमार। बता दें कि खाने में खराबी की वजह से उनकी तबीयत खराब हुई। वहीं पुलिस का कहना है कि भोजन करने के बाद उल्टी और दस्त की शिकायत जवानों को हुई, जिसके बाद उन्हें शहर के विभिन्न अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर सीएम योगी ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं होता और कानून का स्थान शासकों से भी ऊपर है। साथ ही कहा कि लोगों को निष्पक्ष न्याय देना सरकार का कर्तव्य है। अरविंद केजरीवाल की रैली में लगे मोदी मोदी के नारे। बता दें कि सीएम नगर निगम चुनावों के प्रचार के लिए उत्तर दक्षिण दिल्ली के घोड़ा में पहुंचे, जहां उनकी रैली में कुछ लोग पीएम मोदी के नारे लगाने लगे। वहीं केजरीवाल ने अपनी जनसभा में नारे लगाने वालों को जवाब देते हुए कहा कि मोदी मोदी के नारे लगाने से बिजली की दरें कम नहीं हो जाएंगी और न ही गृह कर समाप्त होगा। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी का पीछा करने वाले डीयू के चारों छात्रों को मिली जमानत। डीयू के इन चारों छात्रों को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की कार का कथित तौर पर पीछा करने के आरोप में हिरासत में लिया गया था। वहीं बता दें कि आरोपी छात्र वसंत गांव में एक पीजी में रहते थे और एक दोस्त के जन्मदिन की पार्टी में उन्होंने शराब पी थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली के नगर निगम चुनावों के प्रचार की शुरुआत सोशल मीडिया से भी शुरू कर दी है। बता दें कि केजरीवाल ने ट्वीट कर दिल्ली में किराए पर रह रहे लोगों को नगर निगम चुनाव जीतने पर मुफ्त पानी और कम दरों पर बिजली देने का वादा किया है। भारत में मौतों को लेकर हैरान करने वाला आंकड़ा सामने आया है, जिसके मुताबिक भारत में जितनी मौतें प्यार की वजह से होती हैं, उतनी आतंकी घटनाओं से भी नहीं होती। आंकड़ों के मुताबिक पिछले 15 सालों में भारत में आतंकवाद से ज्यादा मौत प्यार की वजह से हुई। साथ ही हत्याएं और हत्याओं की कोशिश और साथ ही किडनैपिंग के केस की वजह भी प्यार ही रहा। पाकिस्तान के सरगोधा शहर में एक दरगाह के मानसिक रूप से बीमार संरक्षक ने करीब 20 लोगों की हत्या कर दी और 3 लोगों को घायल कर दिया। सरगोधा के उपायुक्त लियाकत अली चट्टा के मुताबिक संरक्षक अब्दुल वहीद ने अली अहमद गुज्जर दरगाह में अपने अनुयायियों को चाकू से गोद कर और डंडों से पीट कर मार डाला। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस के साथ उनकी टीम के संबंधों को लेकर जांच किए जाने की आलोचना की। साथ ही इस मामले में अपने पूर्व शीर्ष सहयोगी माइकल फ्लिन के एफबीआई और कांग्रेस समितियों के समकक्ष अपनी गवाही देने की छूट दिए जाने की मांग वाली याचिका का भी बचाव किया। भारत के क्रिकेट इतिहास में आज का दिन बेहद खास है। बता दें कि आज के दिन भारत ने 2011 में श्रीलंका को हराकर दूसरी बार वर्ल्ड कप पर कब्जा किया था। साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले भारत ने साल 1983 में यह गौरव हासिल किया था। उज्बेकिस्तान के खिलाफ डेविस कप मुकाबले में भारतीय टीम में रिजर्व के रूप में शामिल किए गए कनाडा के लिएंडर पेस ने अपने जोड़ीदार आदिल शम्सदीन के साथ मिलकर लियोन चैलेंजर का खिताब जीता। बता दें कि दोनों जोड़ीदारों ने स्विट्जरलैंड के लुका मार्गारोली और ब्राजील के कारो जाम्पियरी को 6-1, 6-4 से मात दी। फिल्म निर्माता करण जौहर ने अपने दोनों जुड़वा बच्चों रूही और यश के लिए नर्सरी तैयार करने के लिए गौरी खान को धन्यवाद किया। बता दें कि गौरी इंटीरियर डिजाइनर है और उन्होंने करण के बच्चों के लिए नर्सरी डिजाइन की है। लेखक आनंद नीलकांतन ने बहुप्रतीक्षित किताब द राइज ऑफ शिवगामी का निर्देशक SS राजामौली के साथ मिलकर किया लोकार्पण। बता दें कि ये किताब ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली का प्रीक्वल है। वहीं इस कार्यक्रम में राम्या कृष्णन और राणा डग्गुबाती भी मौजूद रहे। मेरे साथ बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी खबरें देखने के लिए अब जुड़े रहिए सीएम इंडिया टीवी के साथ। नमस्कार।